WDG 4G लोगों का कैप चेंज करना है। कैप चेंज करने के लिए करना क्या है, इसमें आपको इंजन कंट्रोल स्विच, ये इंजन कंट्रोल स्विच लगा हुआ है, इसको ऑफ कर देना है, इसे इनएक्टिव कैप करना है उसको। देखिए मैंने इसको ऑफ कर दिया है, इंजन कंट्रोल स्विच को ऑफ पे करना। दूसरा बदलाव कंट्रोल स्टैंड पे डाइनिंग ब्रेक को ऑफ कर देना है। बाकी कंट्रोल स्टैंड ये कैबन है, इसमें ही ये ब्रेकर है, डाइनिंग ब्रेक दोनों कंट्रोल स्टैंड ऑफ लगा, दोनों कैबन लगा, कैबन कैब टू, लेकिन कंट्रोल ब्रेकर और जनरेटर फील्ड ब्रेकर ये कैबन में ही लगा हुआ है, ये दोनों ऑफ ऑन रहेंगे, कंट्रोल ब्रेकर और जनरेटर फील्ड ब्रेकर ऑन रहेंगे। डायनेमिक ब्रेक ऑफ कर देना है नॉन एक्टिव कैब का। न्यूमेटिक पैनल की पोजीशन आप चाहे जैसे छोड़ सकते हैं, ये लीड ट्रेल पर कहीं पर छोड़ दीजिए, इसको कहीं भी कर दीजिए, ट्रेल पे या लीड पे कहीं भी करके छोड़ दीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों हैंडलों को रिलीज पे करके छोड़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट और ऑटोमेटिक हैंडल दोनों को रिलीज पे, रिवर्सल को न्यूट्रल पे करके निकाल लिया जाएगा। ये कैब हो गया इनएक्टिव। एसी के ब्रेकर को ऑफ कर देंगे, एसी या हीटर के को, फ्लैशर लाइट वगैरह सारी ऑफ कर देंगे, यहाँ से हीट प्लेट का ब्रेकर भी ऑफ कर देंगे, हेडलाइट्स को भी ऑफ कर देंगे, जितनी भी लाइट फैन के ब्रेकर हैं उनको सबको ऑफ कर देंगे। ये हीटर और एयर कंडीशन का ब्रेकर है, इसे भी ऑफ कर देंगे, ये इन्होंने ऑन कर रखा है, इसको ऑफ कर देना चाहिए, ये ऑफ कर देते हैं यहाँ से, इसे भी ऑफ कर देंगे इनएक्टिव कैब के को। बाकी ब्रेकर पैनल में सारे ब्रेकर लगे रहेंगे, जैसे कि कैब फैन या हॉट प्लेट की जरूरत नहीं है तो उसको ऑफ कर सकते हैं, बाकी सारे ऑन रहेंगे। जिस कैब को एक्टिवेट करना है उसके इंजन कंट्रोल पैनल को हम आइसोलेशन पर डाल देंगे, जैसे हम इसे आइसोलेशन पर करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा कैब, और डायनेमिक ब्रेकर को भी लगा लेंगे, जिस कैब को एक्टिवेट करना है उसके डायनेमिक कंट्रोल स्टैंड पर लगे हुए डायनेमिक ब्रेकर को भी लगा लेंगे, साथ में हीटर और एयर कंडीशन के ब्रेकर को भी ऑन कर देंगे, ये ऊपर की तरफ ऑन होगा। यहाँ पर कैब लाइट्स, कैब फैन, हॉट प्लेट्स, फॉगर्स, जो भी आपको आवश्यकता है वो यहाँ से लगा लेते हैं, हॉट प्लेट की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद में LT स्विच, लीड एंड ट्रेल को हम लीड पे कर देंगे, इंडिपेंडेंट ब्रेक को अप्लाई, और ऑटो एंडिंग को हम रिलीज पे रखेंगे। ये पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है तो इसको रिलीज कर देंगे, ये रिलीज कर देंगे, ग्रीन बटन दबाएंगे, जैसे आप रेड बटन दबाओगे ये एनर्जाइज होगा, तो ये अप्लाई है अभी, और जैसे हम ग्रीन बटन यहाँ पे दबाएंगे तो देखिए ये ऑफ हो गया, ये रिलीज हो गया। रिवर्सल को लगाएंगे आराम से, ये रिवर्सल, ये हेडलाइट्स आप आगे पीछे कर लीजिए, जैसे भी आपको जरूरत हो तो ऐसे हेडलाइट जला सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने फ्लैशर लाइट और AC का लगा हुआ है, ये हॉट प्लेट, ये बिल्कुल न्यूमेटिक पैनल के नीचे, न्यूमेटिक पैनल के सामने लगा हुआ है, जहाँ से आप ब्रेकर वगैरह का हैंडल लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोमेटिक हैंडल लगे हैं, बिल्कुल इसके नीचे AC का और फ्लैशर लाइट और अदर्स लाइटों के लगे हुए हैं, डफर फॉग वगैरह का। जैसे आप कैब चेंज करेंगे देखिए आपको एक पेनल्टी मिलेगी, इस प्रकार EAB कंसोल चेंज पेनल्टी टू क्लियर पेनल्टी टू गो टू फुल सर्विस, यहाँ पे भी आपको मैसेज मिलेगा एक इस प्रकार। तो हमें क्या करना, ऑटो हैंडल को फुल सर्विस पे ले जाना है इस पेनल्टी को रिकवर करने के लिए। ये मैं फुल सर्विस पे दे देता हूँ, फुल सर्विस पे जाते दूंगा, ये 34 सेकंड का समय देगा और रिकवर करने के लिए 34 सेकंड हमें वेट करना होगा इस पेनल्टी को रिकवर करने के लिए। इसको फुल सर्विस पे, ऑटोमेटिक हैंडल को हम फुल सर्विस पे लगेंगे 34 सेकंड के लिए। यदि 34 सेकंड कंप्लीट होंगे देखिए ये आपको मैसेज मिल जाएगा, EVA का कंसोल चेंज पेनल्टी TVA, ये रिमेनिंग फुल सर्विस 34 सेकंड। ये देखिए नो डायनेमिक ब्रेक रेडी हो गया, ये आपका 34 सेकंड के बाद में, और आपको मैसेज मिल जाएगा फास्ट ब्रेकिंग लीड गोड्स, ये मैसेज मिलेगा, इसका मतलब ये चलने को तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब आपका प्रेशर जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक हैंडल को रिलीज करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। आपसे हमारा निवेदन है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके, और आप हमारे रेलवे न्यू अपडेट चैनल पर नए हैं तो ये रेड बॉक्स में लिखे हुए
रेड सब्सक्राइब को कृपया क्लिक करके और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का आइकॉन बेल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।